मुख्तलिफ दुनिया से आती हैं, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है, ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से। इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है जहाँ गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरक विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है। इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आयज़ल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से। उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है। आयज़ल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आयज़ल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आयज़ल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दिन एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे अदील एक उसूल पसंद और दिलकश सियासतदान और आयज़ल एक पुरजोश और अज़म से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है जिसमें इसका बदनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आयज़ल जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है, ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से। इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है जहाँ गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरक विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है। इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आयज़ल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से। उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है। आयज़ल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आयज़ल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आयज़ल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दिन एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामे के आगाज में आप देखेंगे अदील एक उसूल फसन और दिलकश सियासतदान और आयजल एक पुरजोश और अजम से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है, जिसमें इसका बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आयजल, जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है, ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से। इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है, जहाँ गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरका विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है, इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आयजल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से। उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है। आयजल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आयजल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आयजल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दोनों एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे अदील एक उसूल पसंद और दिलकश सियासतदान और आयजल एक पुरजोश और अजम से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है, जिसमें इसका बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आयजल, जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है, ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से। इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है, जहाँ गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरका विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है, इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आयजल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से। उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है। आयजल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आयजल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे
कि अदील और आइजल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दोनों एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे अदील एक उसूल पसंद और दिलकश सियासतदान और आइजल एक पुरजोश और अज़म से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है जिसमें इसका बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आइजल जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है ना कि सियासी वादों से, इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है जहां गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरक विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है, इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आइजल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से। उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है, आइजल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आइजल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आइजल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दोनों एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे अदील एक उसूल पसंद और दिलकश सियासतदान और आइजल एक पुरजोश और अज़म से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है जिसमें इसका बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आइजल जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है ना कि सियासी वादों से, इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है जहां गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरक विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है, इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आइजल अदाकारा
अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है, आयज़ल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आयज़ल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आयज़ल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दोनों एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे अदील एक उसूल पसंद और दिलकश सियासतदान और आयज़ल एक पुरजोश और अज़म से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है जिसमें इसका बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आयज़ल जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से। इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है जहाँ गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरक विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है। इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज धोखादेहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आयज़ल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है, आयज़ल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आयज़ल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आयज़ल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दोनों एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे अदील एक उसूल पसंद और दिलकश सियासतदान और आयज़ल एक पुरजोश और अज़म से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है जिसमें इसका बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आयज़ल जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से। इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है जहाँ गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरक विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार
एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है, इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज, धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आयज़ल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है। आयज़ल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आयज़ल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आयज़ल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दोनों एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे अदील एक उसूल पसंद और दिलकश सियासतदान और आयज़ल एक पुरजोश और अज़म से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है, जिसमें इसका बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आयज़ल जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है, ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से, इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है, जहाँ गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरक विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है, इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज, धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आयज़ल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है। आयज़ल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आयज़ल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आयज़ल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दोनों एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे अदील एक उसूल पसंद और दिलकश सियासतदान और आयज़ल एक पुरजोश और अज़म से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है, जिसमें इसका बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आयज़ल जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है, ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से, इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है,
جہاں گہری بدعنوانی سازشیں اور اخلاقی کرداروں کا انتخاب کو شکل دیتے ہیں۔ ڈرامہ ان کے ذاتی سفر کے ساتھ ساتھ ایک بہتر پاکستانی کے لیے مشترکہ ویژن کو بھی بیان کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ سیاست اور سرگرمی کس طرح گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں اور بعض اوقات متضاد بھی ہو سکتے ہیں۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں عدیل کا کردار ایک اصول پسند آدمی جو سیاست کے مراحل سے ترقی کرتا ہے اور اصل تبدیلی لانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس کا سفر ایک معمولی پس منظر سے عوام کے لیے امید کی علامت بننے تک چیلنجز، دھوکہ دہیوں اور قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سیاسی زندگی کے بڑھتے دباؤ کے باوجود عدیل اپنی آئیڈیلز کے ساتھ پختہ رہتا ہے، حالانکہ ہر کامیابی کے ساتھ قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، آئزل اداکارہ عدیل کے کردار سے کئی طریقوں سے مختلف ہے، خاص طور پر تبدیلی کے حوالے سے۔ اس کا نقطہ نظر میں ایک سماجی کارکن جو براہ راست محروم کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتی ہے، آئزل ایک اجتماعی کاروائی اور تعلیم کی طاقت پر یقین رکھتی ہے۔ تو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو عدیل کے کردار اچھا لگتا ہے یا آئزل کے؟ ویورز، یہ دونوں اپنے یہ تحریک جاری رکھتے ہیں، اور آخر میں اس ڈرامے کے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ عدیل اور آئزل ایک ہو جاتی ہے، ان کی سوچ بھی ایک ہو جاتا ہے اور ملک کے لیے بہت اچھی ترقی یہ دونوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں ایک ہو کر شادی بھی کرتے ہیں۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ بکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عدیل ایک اصول پسند اور دلکش سیاستدان، اور آئزل ایک پرجوش اور عزم سے بھرپور سماجی کارکن پاکستانی سیاست کی پیچیدہ اور خطرناک دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ ڈرامہ عدیل کے سیاسی میدان میں اٹھان سے شروع ہوتا ہے، جس میں اس کا بدعنوانی اور طاقت کے کشمکش کی کڑی حقیقتوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ اسی دوران آئزل، جو ایک مختلف دنیا سے آتی ہے، بنیاد پرست سماجی مقاصد کے لیے ان تک محنت کرتی ہے، یہ مانتے ہوئے کہ تبدیلی کمیونٹی کی کارروائی سے آتی ہے نہ کہ سیاسی وعدوں سے، ان کی راہیں ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ اور ڈرامہ یہ تلاش کرتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی زندگیوں اور کیریئرز پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیاسی پس منظر تناؤ اور تصادم کے ماحول فراہم کرتا ہے، جہاں گہری بدعنوانی سازشیں اور اخلاقی کرداروں کا انتخاب کو شکل دیتے ہیں۔ ڈرامہ ان کے ذاتی سفر کے ساتھ ساتھ ایک بہتر پاکستانی کے لیے مشترکہ ویژن کو بھی بیان کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ سیاست اور سرگرمی کس طرح گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں اور بعض اوقات متضاد بھی ہو سکتے ہیں۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں عدیل کا کردار ایک اصول پسند آدمی جو سیاست کے مراحل سے ترقی کرتا ہے اور اصل تبدیلی لانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس کا سفر ایک معمولی پس منظر سے عوام کے لیے امید کی علامت بننے تک چیلنجز، دھوکہ دہیوں اور قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سیاسی زندگی کے بڑھتے دباؤ کے باوجود عدیل اپنی آئیڈیلز کے ساتھ پختہ رہتا ہے، حالانکہ ہر کامیابی کے ساتھ قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، آئزل اداکارہ عدیل کے کردار سے کئی طریقوں سے مختلف ہے، خاص طور پر تبدیلی کے حوالے سے۔ اس کا نقطہ نظر میں ایک سماجی کارکن جو براہ راست محروم کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتی ہے، آئزل ایک اجتماعی کاروائی اور تعلیم کی طاقت پر یقین رکھتی ہے۔ تو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو عدیل کے کردار اچھا لگتا ہے یا آئزل کے؟ ویورز، یہ دونوں اپنے یہ تحریک جاری رکھتے ہیں، اور آخر میں اس ڈرامے کے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ عدیل اور آئزل ایک ہو جاتی ہے، ان کی سوچ بھی ایک ہو جاتا ہے، اور ملک کے لیے بہت اچھی ترقی یہ دونوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں ایک ہو کر شادی بھی کرتے ہیں۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ بکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عدیل ایک اصول پسند اور دلکش سیاستدان، اور آئزل ایک پرجوش اور عزم سے بھرپور سماجی کارکن پاکستانی سیاست کی پیچیدہ اور خطرناک دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ ڈرامہ عدیل کے سیاسی میدان میں اٹھان سے شروع ہوتا ہے، جس میں اس کا
बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आइजल, जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है, ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से। इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है, जहाँ गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरक विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है, इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आइजल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से। उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है, आइजल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आइजल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आइजल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दोनों एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे अदील एक उसूल पसंद और दिलकश सियासतदान और आइजल एक पुरजोश और अज़म से भरपूर समाजी कारकुन पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा और ख़तरनाक दुनिया में कदम रखते हैं। ड्रामा अदील के सियासी मैदान में उठान से शुरू होता है, जिसमें इसका बदिनवानी और ताकत के कशमकश की कड़ी हकीकतों से टकरा जाता है। उसी दौरान आइजल, जो एक मुख्तलिफ दुनिया से आती है, बुनियाद परत समाजी मकासद के लिए अंत तक मेहनत करती है, ये मानते हुए कि तब्दीली कम्यूनिटी की कार्रवाई से आती है न कि सियासी वादों से। इनकी राहें एक दूसरे से मिलती है और ड्रामा ये तलाश करता है कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगियों और कैरियर्स पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सियासी पस मंजर तनाव और तसादुम के माहौल फराहम करता है, जहाँ गहरी बदनवानी साजिशें और अखलाकी किरदारों का इंतहाब को शक्ल देते हैं। ड्रामा इनके ज़ाती सफ़र के साथ साथ एक बेहतर पाकिस्तानी के लिए मुश्तरक विजन को भी बयान करता है और दिखाता है कि सियासत और सरगर्मी किस तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात मुतज़ाद भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में अदील का किरदार एक उसूल पसंद आदमी जो सियासत के मराहल से तरक्की करता है और असल तब्दीली लाने का अज़म रखता है, इसका सफ़र एक मामूली पस मंज़र से आवाम के लिए उम्मीद की अलामत बनने तक चैलेंज धोखा दहियों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। सियासी ज़िंदगी के बढ़ते दबाव के बावजूद अदील अपनी आइडियल्स के साथ पुख्ता रहता है, हालांकि हर कामयाबी के साथ कीमत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आइजल अदाकारा अदील के किरदार से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर तब्दीली के हवाले से। उसका नुक्ता नज़र में एक समाजी कारकुन जो बराह रास्त महरूम कम्यूनिटीज़ के साथ काम करती है, आइजल एक इज्तिमाई कार्रवाई और तालीम की ताकत पर यकीन रखती है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आपको अदील के किरदार अच्छा लगता है या आइजल के? व्यूअर्स, ये दोनों अपने ये तहरीक जारी रखते हैं और आखिर में इस ड्रामे के लास्ट में आप देखेंगे कि अदील और आइजल एक हो जाती है, इनकी सोच भी एक हो जाता है और मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की ये दोनों की वजह से हो जाती है और ये दोनों एक होकर शादी भी करते हैं। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल
اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز, اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عدیل ایک اصول پسند اور دلکش سیاستدان اور آئزل ایک پرجوش اور عزم سے بھرپور سماجی کارکن پاکستانی سیاست کی پیچیدہ اور خطرناک دنیا میں قدم رکھتے ہیں. ڈرامہ عدیل کے سیاسی میدان میں اٹھان سے شروع ہوتا ہے جس میں اس کا بدعنوانی اور طاقت کے کشمکش کی کڑی حقیقتوں سے ٹکرا جاتا ہے. اسی دوران آئزل جو ایک مختلف دنیا سے آتی ہے بنیاد پرست سماجی مقاصد کے لیے انتکس محنت کرتی ہے, یہ مانتے ہوئے کہ تبدیلی کمیونٹی کی کارروائی سے آتی ہے نہ کہ سیاسی وعدوں سے. ان کی راہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں.